country to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। लेकिन आप उस सवाल का नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय। आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं? कोट एंड कोट ये शब्द मैं लगातार बोल रहा हूँ, आपके कानों तक क्यों नहीं पहुँचे? मेरी शोभा नहीं देती, दूसरी बात है। आजकल प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो बंद कर ही दिया है। वे इंटरव्यू भी कुछ गिने चुने पत्रकारों को ही देते हैं, जो इंटरव्यू में जरूरी मुद्दों पर सवाल करने की बजाय कुछ गिने चुने सवाल करते हैं और मोदी जी की तारीफ करते ही दिखाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे इंटरव्यू भी देते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। जब सवाल तीखे हो जाते थे तब मोदी जी घबरा जाते थे। ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज की बात करेंगे हम आज, जब मोदी जी को सवालों ने तंग किया हो और पानी पीने पर मजबूर कर दिया हो। CNN IBN पर जब सीनियर पत्रकार करण थापर ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया, तब इस इंटरव्यू में करण थापर ने मोदी जी को गुजरात में हुए दंगों को लेकर कुछ कड़े सवाल करने शुरू कर दिए, और सवाल जब तीखे होने लगे तब मोदी जी इंटरव्यू छोड़कर ही भाग गए। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that what? Maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the interview 7, everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. You came here. I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए। Three, four questions are on the agenda. So I can't. But Modi sir, please. Modi sir, कन देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ। आप इसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying, why can't you correct the image? देखिए आपने, this is not the time. इसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले होते, 2003 में मिले होते। CNN IBN पर ही जब सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने मोदी जी से 2002 गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछने शुरू किए, तब मोदी जी ठीक से जवाब ना दे पाए। राजदीप ने मोदी जी से गुजरात को लेकर जवाब देने को कहा, मोदी जी चुप हो गए और उसके बाद मोदी जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं 2002 दंगों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस तरह की जो कहते हैं वो सही है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको आज इंटरव्यू दिया। आप उस सवाल का नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय। सर, वो जो छोटा सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2002 दंगों के लिए क्षमा दे दे और फिर आगे निकले और बड़ा बने। नरेंद्र भाई, आपने सभी सवालों का हमसे जवाब दिया, विस्तार में जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। NDTV के पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में भी पत्रकार ने गुजरात में हुई हिंसा को लेकर सवाल किए। मोदी जी जवाब को गोल मोल करने लगे और बाद में उन्होंने पत्रकार की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी कांग्रेस ने सिख रायट्स को लेकर जगदीश टाइगर और संजय कुमार का टिकट काटा। कांग्रेस ने माफी मांगी सिख कत्लेआम के लिए। सिख कत्लेआम बोलते हैं जैसे कांग्रेस दंगा बोलती है, हम सिख कत्लेआम बोलते हैं। तो 3000 सिख उस प्रदेश भर में मारे गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिख कत्लेआम के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ,
कि माफी की जरूरत है। मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया कि आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं? नहीं। अभी एसआईटी की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है गुजरात दंगों के लिए। जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि गोधरा का जो मामला था वो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको आप हमेशा से बताते रहे। बनर्जी कमेटी ने उसे एक्सीडेंट बताया था। आप क्या समझते हैं? मेरे सवाल था आपके पास एसआईटी को लेकर। अच्छा एक सवाल, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री हैं नरोत्तम भाई पटेल, उन्होंने कहा कि मोदी जी रिंग मास्टर हैं और इंडस्ट्रीज जो है उनके इशारे पर चलते हैं। क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में बहुत हुआ है, तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को रिंग मास्टर मान सकता हूँ? वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने मोदी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में प्रभु चावला ने गुजरात की बात की, तब मोदी जी ने जवाब को गोलमोल करना शुरू किया, पर प्रभु चावला इस सवाल पर अड़े रहे और बार बार मोदी जी से गुजरात हिंसा को लेकर माफी मांगने को कहा। जो गुजरात में हुआ 3 साल पहले, लगता है आप उसको जस्टिफाई अभी भी कर रहे हैं? मैंने आपको कोई दुख नहीं है जो मैंने उस विषय की चर्चा नहीं की है। मैंने उस दिन संबंध में आपको वीजा देना, गोधरा में जो हुआ वो भी गलत था, गोधरा के बाद हुआ वो भी गलत था, ये हम लगातार कहते आए हैं और हम साफ साफ कहते हैं गोधरा न हुआ होता तो बाद में कुछ नहीं होना था। हम लगातार कहते आए हैं कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती। अभी आज मानने के लिए तैयार हैं कि जो गोधरा में हुआ और गोधरा के बाद जो हुआ वो गलत था, शर्मनाक था, उसके लिए आपको दुख है? मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। कोट एंड कोट ये शब्द मैं लगातार बोल रहा हूँ, आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंचे? शोभा नहीं देती, दूसरी बात है कि शर्मनाक थी, इसके लिए सरकार भी थोड़ी बहुत जिम्मेवार थी। हर एक की अपने अपनी बात। इंदिरा गांधी के जो हुआ 1984 में सिख राइट्स में, उसके बाद सोनिया गांधी ने माफी मांगी, आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है घाव भरने का, आप भी माफी मांग ले? पहली बात है किसी भी बात को कैसे अभिव्यक्त करना, हर एक के अपने अपने शब्दों का चयन होता है और मैं समझता हूँ मुझे जो शब्द ईश्वर ने सुझाए हैं उन शब्दों के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता हूँ। तो आपको कहते नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं कह रहे कि शर्मनाक था, उसके लिए मुझे दुख है। इसके लिए देश के बहुत अखबार हैं, बहुत एडिटोरियल्स हैं, उन सबके पास समय भी तो है, उसका एनालिसिस होता रहता है, होने दीजिए। बोला एडिटोरियल अखबार जो कहें वो ठीक है, आप नहीं मानते उनकी बात। मैंने साफ शब्दों में कहा, कोट एंड कोट, अगेन आई रिपीट, किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती। ये थे मोदी जी के कुछ पुराने इंटरव्यूज, जब कुछ पत्रकारों ने मोदी जी को चुप रहने पर मजबूर कर दिया हो। पर हाल ही में हमने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, इसमें मोदी जी से तीखे सवाल किसी एंकर ने शायद ही पूछे हों। अब तो मोदी जी मीडिया के सामने नहीं आते। एक बार 2019 में इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी जी ने किसी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी मीडिया के सामने आए और सवाल सुने, ताकि उन्हें अपनी सरकार की खामियों का पता चले और वे उन्हें दुरुस्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।